आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 58.48% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 29.79% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 26.70% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 22.21% का। अब हम लोग NAV के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका 1 NAV का प्राइस है 184.63 रुपये। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 63,413 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड में मंथली 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 74,637 रुपया। 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,81,476 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 6,35,332 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,58,480 रुपया होता, 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,18,637 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,26,500 रुपया होता। अब हम स्टॉक होल्डिंग की बात कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो फिर आपको 500 से लेकर के 1,000 रुपया का कैश बोनस देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं लगेगा और ना ही एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है। इसके अंदर टोटल स्टॉक होल्डिंग हम लोग देखें तो टोटल स्टॉक होल्डिंग 71 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 उसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है द इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड सर्विस क्षेत्र, अपोलो टायर लिमिटेड ऑटोमोबाइल, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, लिपिका सॉरी IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड हेल्थ केयर, इंडियन बैंक फाइनेंशियल, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एनर्जी कॉर्पोरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम लोग देखें तो इक्विटी पे है 91.7, कैश पे है 8.3%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो फाइनेंशियल पे है 25.2, अदर्स पे 21.2, हेल्थ केयर 13.1, कैपिटल गुड्स 11.8, सर्विस 7.8, टेक्नोलॉजी 7.4, केमिकल 7.1 और ऑटोमोबाइल पे है 6.4%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.64 और PV रेशियो 3.35। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम के थ्रू आपको मिनिमम 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा, और अगर SIP करते हैं तो SIP आपको मिनिमम 100 रुपये का यहाँ पे करना होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर में, और यहीं पर आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो म्यूचुअल फंड है यानी कि HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड राइट ग्रोथ का जो 1 साल का रिटर्न है वो 58.5 है, 3 साल में 29.8, 5 साल में 26.7 और एनुअल है 22.2 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड का ऑन एवरेज रिटर्न 1 साल में 55% का है, 3 साल में 25.8, 5 साल में 24.9 का। तो यहाँ से देखा जाए तो ये म्यूचुअल फंड हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा रिटर्न निकाल करके दिया, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। अगर आपने ऑलरेडी इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो फिर आप अपना SIP या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप न्यू है, फ्रेश बाय करना चाहते हैं, एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो फिर ये आपके लिए अच्छा विकल्प नहीं बन पाएगा, क्योंकि जरा हम इसके रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखेंगे
तो एक साल में यह 13 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 5 नंबर पे रैंक करता है, और 5 साल में यह 8 नंबर पे रैंक करता है। यानी कि नंबर 1 पे रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे कोई और म्यूचुअल फंड है तो वह हम लोग देखेंगे वो कौन सा म्यूचुअल फंड है। यदि आप फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो अभी मैं इसके आसपास जो सिमिलर फंड बताऊंगा आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि है क्वांट मिड कैप फंड एट ग्रोथ, ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 81.5, 3 साल का रिटर्न है 36.1 और इसका फंड साइज है 6920 करोड़ का। अगर आप एक क्वांट सॉरी आप यदि आप एक मिड कैप म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए जो सही ऑप्शन है वो है क्वांट मिड कैप फंड एट ग्रोथ। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो का, तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.76% का। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। और स्टाम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टाम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात कर लेते हैं, अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा इससे निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपना इस म्यूचुअल फंड से पैसा निकालेंगे और उसमें अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका प्रॉफिट 1 लाख से भी प्लस होता है रिटर्न, तो फिर आपको 10% का यहाँ पे देना होगा टैक्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो HDFC म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,57,412 करोड़ का। बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है HDFC म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ है 10 दिसंबर 1999 को। चिराग सेटलवेट अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 6,57,413 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी 184.63 रुपया। बात करते हैं HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।